फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल अजय, और इतना सुंदर समर्थन हो तो बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा छोटा गेंद खेल दिया है कवर की दिशा में, फिर अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये मैच की इस समय अजय, क्योंकि साझेदारी तो चाहिए और तेलुगु के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी नहीं चाहेंगे कि साझेदारी यहां पर पनपे। सीसीए सुपर फैन के लिए एक प्रश्न है कि कितना स्कोर जो बैटिंग साइड है यानी कि केरला स्ट्राइकर्स है बनाएगी, तो ये प्रश्न है, आप जवाब दीजिए और जल्द से जल्द दीजिए। और आप अगर कॉल करते हैं, आपका अंदाजा सही होगा तो 1,00,000 रुपए भी आप जीत सकते हैं आज ही। और इससे बढ़िया मौका क्या है, घर बैठे बैठे खाली कॉल करना है और आपको 1,00,000 रुपए की राशि। सिर्फ आपने अपने क्रिकेट सेंस को यूज करना है और एस्टीमेट लगाना है कि कितने रन यहां से बनेंगे। अजय, आपका एस्टीमेट क्या है? मुझे लग रहा है 135, 135 और 140 के बीच में, ये मेरा एस्टीमेट है। बहुत अच्छे तरीके से खेला है कवर की दिशा में, फिर एक रन मिलेगा। एक एक रन से अभी तक संतुष्टि नजर आ रही है केरला के खेमे में। शायद वो आखिरी तक विकेट्स अपने हाथ में रखना चाहते हैं और एक वो सही सोच भी है, और ये अच्छी सोच है दोनों बैट्समैन द्वारा कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। बड़े शॉट भी आएंगे और उससे जरूरी है कि स्ट्राइक रोटेट आप करते रहे, और वही किया है पहली 3 गेंदों में ब्लॉक होल में बिल्कुल जड़ पे। अब इसके विरुद्ध स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं है। यॉर्कर, जिसकी अमूमन हम बात करते हैं 2020 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में बहुत अहम वेपन होता है बॉलर की आर्मरी में, और यहाँ पे तेलुगु का खेमा, तेलुगु के ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। सम्राट अगर आप देखें लंबे कद के हैं और यहाँ पे थोड़ी सी गेंद आगे रख दी और उसका लाभ उठाया बैट्समैन ने, ये बेहतर है कि सीधे बल्ले से आपने खेला। ये क्षमता है पिल्ले में, कोई मौका नहीं गवा रहे। बिल्कुल आसान नहीं होता अजय ये शॉट खेलना, क्योंकि इस शॉट के लिए आपको टेक्निकली बहुत वेल इक्विप होना पड़ता है। और देखिए सर को बिल्कुल सीधा रखा, सीधे बल्ले से खेला और 4 रन मिले। और रिजनर याद रखिए खिलाड़ी था लॉन्ग ऑन पे, पर थोड़ा वाइड था, पर इतना अच्छा यहाँ पे टाइमिंग हुआ, तेज आउटफील्ड है और उसका लाभ मिला राजीव पिल्ले को। एक और अच्छा ओवर केरला स्ट्राइकर्स के लिए, और बूस्ट उनके सीक्रेट है एनर्जी की, जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं रजी पिल्ले। और ये देखिए ये दौड़ लगाई है सिर्फ बूस्ट के कारण ही। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, इससे अच्छा नजारा कोई हो नहीं सकता, इतनी अच्छी सपोर्ट हो नहीं सकती। तेलुगु डिफेंडिंग चैंपियन, उनको पूरी सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर, और क्यों ना हो, जैसे वो क्रिकेट लास्ट सीजन खेले हैं, बहुत ज्यादा फैन उनके बन गए हैं। ऐसा लग रहा है बस चढ़ जाओ और इस पे सवार हो जाओ आप। वाह वाह वाह, यही लफ्ज आते हैं जब अब इस यामा को देखते हैं, सिंपली ब्रिलियंट। मुझे लगता है एक सवारी तो बनती है। मैं तो कह रहा था सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ कहते हैं कि हम दोनों नहीं बैठ सकते, मैंने कहा 2 या 3 भी बैठ जाएंगे, सोडी भी बैठ जाएगा हमारे साथ। सिद्धार्थ अभी आपको अच्छे से जानते नहीं है, आप कहां का बैठा सकते हैं। और खेल दिया है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अजय आपकी बात करते हो, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं अपने समय के, और आपकी बल्लेबाजी तो सर चढ़कर बोलती थी पंजाब की पूरी स्टेट में, लेकिन दुर्भाग्यवश आप भारत के लिए नहीं खेल पाए। लेकिन जितनी भी क्रिकेट आप खेले हैं, मुझे लगता है आपको उसको बहुत प्राउड होना चाहिए, आपके फादर भी बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, तो एक ऑनर की बात है आज हम आपके साथ बैठे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे आपका भी जो प्रदर्शन रहा बहुत बेहतरीन रहा। फिलहाल यहाँ पे अगर आप राजीव पिल्ले की बात करें, उनका प्रदर्शन बढ़िया, पर यहाँ पे मौका था रन आउट का, बहुत ही अच्छा एफर्ट कवर क्षेत्र में, बहुत जल्दी गेंद को पिक किया और थ्रो किया, पर डायरेक्ट हिट, कितना फर्क पड़ता है, थोड़ी सी थ्रो वाइड हो गई। अगर यही सटीक निशाना होता, इसको कहते हैं हिट द बुल्सआई, तो वापस जाना होता, पर थ्रो थोड़ी सी वाइड। बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है तेलुगु, उनकी फील्डिंग देख के तो मजा ही आ रहा है,
और फील्डिंग एक ऐसा स्तर है, ऐसा स्टेज है अजय, जो टूर्नामेंट के लेवल को बहुत ऊपर ले जाता है। ये बड़ा शॉट, ये शॉट की दरकार थी और यहाँ पे कैच भी छूटा और छक्का भी हो गया। तेलुगु अपने आप को कोस रही होगी इस समय, एक बड़ा मौका था विकेट लेने का यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट स्टेज पे एक इंपॉर्टेंट कैच गया आज है। देखिए ये मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे अगर विकेट मिल जाती तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। मौका था, सीधा गेंद हाथ में आई, छटकती हुई और फिर सीमा रेखा के बाहर गई। और केरला स्ट्राइकर्स देखिए खेमा बिल्कुल पीछे है और वो कितने खुश, बोनस रन है और एक जीवन दान भी मिला है। देखिए केरला जानती है इस समय अगर वो 150 रन बना देते हैं तो एक बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल खड़ा हो जाएगा और आसान नहीं होगा तेलुगु के लिए। और यहाँ पे फिर थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर अजय इस समय तेलुगु पर आ रहा है, अच्छी क्रिकेट खेले हैं लेकिन कुछ फील्डिंग लैप्सेस अभी हमने हाल ही में 2-3 ओवर में देखे हैं। जी बिल्कुल, और अखिल देखिए पीछे से प्रोत्साहन देते हुए बैक कर रहे हैं, ये जो साझेदारी है मुझे खतरनाक नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है नंद किशोर ने और राजीव पिल्ले ने, फिर से गैप में खेला, क्या वापस आएंगे दूसरे रन के लिए। जी हाँ, फील्डर फिसलते हुए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में 100 रन ही पूरे हुए, 100 रन पूरे होते हुए केरला स्ट्राइकर्स के, और ये साझेदारी ने एकदम जान डाली है इस बैटिंग लाइनअप में। देखिए कितना अब वो ऊर्जा नजर आती हुई, जोश नजर आता हुआ और यहाँ पे रन आते हुए, किसी ना किसी तरह रन आ रहे हैं। इसको कहा जाता है अनफोर्स्ड एरर, तेलुगु को अपने आप को संभालना होगा। 22 के 4, 104 पे 4, 15 ओवर की समाप्ति।